अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं कैपेचिनो कॉफ़ी सिर्फ 1 मिनट में। इतनी झागदार कॉफ़ी आप 1 मिनट में बना सकते हैं, यकीन कीजिए। इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी है। 1 चम्मच कॉफ़ी में आप 3 कप कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा कटोरी लिया है, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाला है और मैं इसमें 3 चम्मच शुगर डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं शुगर। अब 1 चम्मच पानी इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर आप 4 से 5 चम्मच पानी डाल के अच्छे से फेंट लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ शक्कर गला नहीं है, तब और पानी डालिएगा। पानी इसमें तब तक डाल के इसको फेटिएगा जब तक इसमें इसका शक्कर गल नहीं जाता। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको फेटने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगता है। देखिए, मैंने एक बार में थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है, लेकिन पानी इतना भी ऐड नहीं किया है कि ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा इतना पानी कि ये गीला भी ना हो, इसमें बार बार पानी भी ऐड ना करना हो। वो जो लोग बताते हैं कि एक एक चम्मच पानी डाल के फेंटते जाओ, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अंदाजे से आप इसमें इतना पानी डाल दीजिएगा कि इसका शक्कर एक ही बार में फेंटने पे गल जाए। तो अब देखिए, ये इस तरीके से हो गया। इसका शक्कर पूरी तरीके से गल चुका है। तो मतलब ये हमारी कॉफ़ी तैयार है। 1 चम्मच कॉफ़ी में आप 3 कप कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना झाग इसमें आ गया है। इसको मिक्स करके जब आप पिएंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दूध लिया है। मैं इसको बॉईल करूँगी, मतलब उबालूंगी। तो यहाँ पे मेरा दूध भी उबल चुका है। अब मेरा सब सामान रेडी हो गया है। अब मैं इसमें सिर्फ 2 चम्मच कॉफ़ी डालूंगी और दिखाऊंगी अभी आपको कि कितना झाग इसमें रहता है। आप पहले दूध भी डाल सकते हैं और पहले कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। अगर पहले दूध डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखिए, मेरी हॉट कॉफ़ी एकदम रेडी हो गया है। बस इसको डाल के मुझे अच्छे से मिक्स करना है। तो इसमें बहुत अच्छा सा झाग आएगा, देखिएगा ऊपर तक एकदम आएगा। बहुत सा स्मूथ सा टेस्ट इसमें रहता है। कॉफ़ी में जो कड़वापन रहता है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो वो कड़वापन नहीं रहेगा। और पता है, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था 1 मिनट में आप कॉफ़ी बना के पिए। आप सिर्फ 1 दिन 15 मिनट इसको फेंटने में लगाएंगे, उसके बाद आप 1 हफ्ते तक इसको फ्रिज में रख कर आप जब भी पीना हो, बस कॉफ़ी को जो स्मूथ सा बैटर कॉफ़ी का बना बना रहता है, उसको दूध में डालना है। उसके बाद मिक्स करना है और एक स्मूथ सी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी और आप बस उसको इंजॉय करिए। ये देखिए इतना झाग इसमें है, बहुत ही टेस्टी। आप जब इसको पियेंगे बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी टेस्टी कॉफ़ी आप सिर्फ 1 मिनट में बना के पी सकते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी करिएगा। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।